हेलो व्यूअर्स, अग्रगति चैनल पर सबका स्वागत है। चैनल का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और चैनल पे अपडेट होने वाला वीडियो अपडेट होने के साथ साथ देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं, जो हम लोगों के पास ऑटोकैड ड्राइंग रहता है, जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट में जो रहता है, उसको हम लोग कैसे गूगल आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आजकल सर्वे करता है, वो होता है कि DGPS से हम लोग सर्वे करते हैं, तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट में वो होता है। तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट में सर्वे करने के बाद उसका जो फीचर्स वगैरह आता है, उसको हम लोगों को क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा रहता है कि उसको हम लोगों को KML या KMZ फाइल करके गूगल अर्थ में प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। हमारे पास एक ड्राइंग फाइल है, उसको हम KMZ फाइल में यानी गूगल अर्थ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाला फाइल जो है कैट टू गूगल आद करके, इसके अंदर मेरा फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये जो बाउंड्री करके है, ये इसका पिछले वाला जो वीडियो था उसी में मैं दिखाया था कि गूगल आर्ट से ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है कोई ड्राइंग को, उसका फीचर्स कैसे उठा के हम लोग आपका KML फाइल से, KML या KMZ से DWG फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम दिखाने वाला है वही DWG फाइल जो है, उसको DWG से हम लोग KML या KMZ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला जो ड्राइंग है, इसको हम लोग गूगल अर्थ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल मैपर का सहायता से इसको कन्वर्ट करेंगे। और पिछले वाला जो वीडियो है उसको देखने के लिए जो ऊपर में जो आई बटन आएगा, उस लिंक में जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बंद करता हूँ, ये जो ग्लोबल मैपर का है इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए आ गया, ये ओपन डेटा फाइल्स, इसको ओके करता हूँ। इसको ओके करने के बाद डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर ये जो कैट टू गूगल अर्थ करके फोल्डर है, इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद ये जो DWG फाइल है, इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये जो मांग रहा है क्या है, प्रोजेक्शन है, ये मेरा UTM है, इसको UTM को UTM रखता हूँ। और ये जो जोन है, जोन मेरा मेरा ड्राइंग जिस जोन का है, 44 जोन का है, नॉर्थन हेमिस्फीयर का है, इसको 44 नॉर्थन हेमिस्फीयर करता हूँ। और इसका डेटम जो है WG से 84, इसको WGS 84 ही रखता हूँ। और इसके बाद इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए, ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग यहीं पर दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, प्रोजेक्शन में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको देखता हूँ। इसको जाने के बाद ये जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के अंदर में जाता हूँ, ये UTM जैसा है इसको UTM ही रखता हूँ। और ये जो जोन है इसको 44 ही रखता हूँ, जो पहले दिया था वो अगर वहीं पे आप नहीं देंगे तो यहीं से भी आप एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। इसको अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फाइल पर जाता हूँ। फाइल पर जाने के बाद ये जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पर जाता हूँ। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद एक्सपोर्ट वेक्टर स्लैश लाइडर फॉर्मेट, इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहीं पे आपको फीचर्स दिखाएगा, आप कौन सा फॉर्मेट में इस ड्राइंग को निकालना चाहते हैं। हमको गूगल अर्थ में देखना है, इसके लिए गूगल अर्थ का दो तरीके का फॉर्मेट होता है, एक KML और एक KMZ। तो हम KML और KMZ जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहीं पर आ गया, ये देखिए KML और KMZ वेक्टर डेटा ओनली है, इसको ओके करता हूँ। फिर इसको ओके करता हूँ, तो यहीं पे ऐसे फीचर्स आ गया। इसको क्रिएट कॉम्प्रेस्ड KML फाइल रिकमेंडेड दिखा रहा है, इसको ऐसे रखता हूँ। फिर इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये पूछ रहा है कहाँ पे इसको सेव करना है। ये फाइल के अंदर जाता हूँ। फाइल के अंदर जाने के बाद इसको फाइल का नाम देता हूँ, DWG2KMZ करके नाम दे देता हूँ। और इसको सेव करता हूँ। अभी सेव हो रहा है, सेव हो गया है, बंद कर देता हूँ। तो फिर यहीं पे ये वाला जो फाइल है इसको ऑन करता हूँ। ये फाइल ऑन हो गया, और अभी DWG2KMZ जो है इसको ऑन करता हूँ। ये अभी ऑन हो रहा है,
ये देखिए, ये जहाँ का था यहीं पे आ गया है। इसका ये जो पॉन्ड का बाउंड्री था इसको आ गया है। इसका जो रोड यहीं से दिख गया था ये भी आ गया। जैसे पूरा का पूरा ड्राइंग जो था ऐसे करके आ गया है, और जो रिमार्क सामने लिखे थे वो सब आ गया है। इसको अगर पिछले वाला जो वीडियो था वो उसमें अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कैसा था। वो वाला गूगल अर्थ फाइल जो बाउंड्री करके मेरा फोल्डर में सेव है उसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ। ये जो बाउंड्री करके सेव है इसको मैं ओपन करता हूँ। इसी वाला जो फाइल है, इसी वाला फाइल से हम DWG फाइल को बनाया था। वही DWG फाइल को गूगल मैप सहायता से मैं दिखा रहा हूँ कैसे करके DWG से KML में कर सकता है, और डिफरेंट कुछ होता है कि नहीं होता है इसको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक KMZ वाला फाइल जो पहले मैं जो बनाया था इसी वाला फाइल से मैं DWG फाइल बनाया था। ये देखिए, यहीं पे दो फोल्डर आ गया, एक DWG2KMZ जो अभी बनाया था ये है, इसका पीछे में है वो, और एक है बाउंड्री करके। बाउंड्री करके ये जो है ये पिछले वाला वीडियो में दिखाया था ऐसा ऐसे करके था, तो ये वाला ऐसा है, ठीक है। और इसको अगर बंद करता हूँ, यार अभी जो बनाया हूँ ये है DWG2KMZ, इसको ऑन करता हूँ, और इसके बाद देखिए इसमें जो राइटिंग वगैरह था सब कुछ आ गया। और इसको बंद करता हूँ, देखिए जितना सारा लाइन था सारी के सारे आ गया है, ऐसे करे हर सारे लाइन भी आ गया है, और पूरा चारों तरफ का जो है सब दिखा रहा है। जैसे करके एक कैनल गया था, ये रास्ता गया था, सब कुछ दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप DWG से KMZ या KML में गूगल अर्थ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो गया आज के लिए लेसन इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और चैनल पे अपडेट होने वाला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।